पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सभी सरकारी कर्मचारी लामबंद होकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन का गठन कर आंदोलन की राह पर हैं। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन समिति की जिला इकाई के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं रिटायर्ड संगठन के जिलाध्यक्ष और मंत्री, साथ ही ब्लॉक प्रभारी और ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य शामिल रहे। आंदोलन समिति के जिलाध्यक्ष गणेश सिंह भंडारी ने कहा कि 2005 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाल की जानी चाहिए। उनकी पेंशन को बहाल न करना संविधान और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके लिए समानता के उल्लंघन के विरोध में 28 अक्टूबर को सांसदों के आवास का घेराव और 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन संसद भवन का घेराव किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली की एक सूत्र मांग है, क्योंकि पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। नई पेंशन प्रणाली सही नहीं है, इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा। ये कहना उन सभी लोगों का था जो कि यहाँ पर उपस्थित थे। एक सूत्री मांग है हमारी कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो। पुरानी पेंशन में एक सेवानिवृत्ति के उपरांत जो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, उनको एक सामाजिक सुरक्षा है। और जो नई पेंशन प्रणाली है, इस नई पेंशन प्रणाली के तहत जो पैसा कर्मचारी का हो या गवर्नमेंट का जो अपना शेयर है, उनका इन्वेस्टमेंट का कहीं पर क्लियर नहीं है। वो मार्केट बेस्ड हैं जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, और एट दी लास्ट जहाँ पर इनको पेमेंट होना है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि इनको कितना पैसा मिलेगा। आने वाले समय में जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का आह्वान होगा, उसमें से संसद और सांसदों, पहले तो सांसदों के घरों पर धरना देने का कार्यक्रम लगाया जा रहा है 28 अप्रैल से, अक्टूबर से, और उसके बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन जो है संसद के बाहर कार्यक्रम प्रस्तुत करने प्रस्तावित है। संवाद 365 के लिए अल्मोड़ा से अमित उप्रेती की रिपोर्ट।